ओम शांति। आज बाबा के 25 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज क्रिसमस की भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया दिवस की भी शुभकामनाएं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, आप बच्चों के लिए हर रोज़ ही क्रिसमस है, क्योंकि भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। स्वयं भगवान बहुत दूर से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं आपका अतींद्रिय सुख गाया हुआ है। इस संगम युग पर आपको अतींद्रिय सुख प्राप्त होता है। जब तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है, पढ़ाई में जरा भी सुस्ती नहीं करनी। बाबा ने कहा शरीर की संभाल भी करनी है, लेकिन शरीर की संभाल करते भी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, और इस पढ़ाई का सार आपकी बुद्धि में सदा रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा देख करके बात करनी है। इससे आप किसी को कोई बात समझाएंगे तो उसका असर पड़ेगा, उन्हें समझ में आएगा। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग पर आपको तन की तंदुरुस्ती भी प्राप्त है, मन की तंदुरुस्ती भी प्राप्त है, धन की भी तंदुरुस्ती प्राप्त है। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। जब आपका मन मनाभव स्थिति में रहता है तो आपके रोग भी योग में परिवर्तित हो जाते हैं, तो बीमारियों में भी घबराना नहीं। फिर बाबा ने कहा याद और सेवा, इसका बैलेंस रखना, ये डबल लॉक है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जब तक जीना है बाबा को याद करना है, याद से आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र है याद, पढ़ाई का सार है याद करना। कुछ ने तुम बच्चों का अतींद्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों आपका अतींद्रिय सुख क्यों गाया हुआ है? क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा अतींद्रिय सुख गाया हुआ है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मिक स्मृति का तिलक, आत्मिक स्मृति दिलाना ये बाप का ही काम है, ये और कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग है अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोजरा नहीं होता तो मनुष्य धक्के खाते हैं, गाया जाता ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सत्युग में ये नहीं कहेंगे कि हमें राह बताओ, ध्यान से समझेंगे, ब्रह्मा का दिन है सत्युग त्रेता, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। इस समय बाबा आकर के रात को दिन बनाते हैं। बाबा ने कहा सत्युग में ये नहीं कहते कि हमें राह बताओ, क्योंकि अभी तुम्हें राह मिल रही है। बाबा आकर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। मुक्ति धाम परम धाम, जीवन मुक्ति धाम सतयुग की राह बता रहे हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। ये तो गीत बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है और कौन बदलाता है, क्योंकि तीसरे नेत्र का ज्ञान ही नहीं। अभी तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान का नेत्र तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे ज्ञान के दो अक्षर मन मनाभव यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो, बाप आते हैं आकर रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? बाबा जब आते तो शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हैं।
तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती कि खुशियाँ कब मनाई जाती हैं। खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान किसी में भी नहीं, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते। देखो क्रिसमस की खुशियाँ कितनी मनाते। बाबा कहते अगर खुशियों की बात पूछनी हो, खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से, मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाबा बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा धोरी कर्तव्य करते, कमल फूल समान रहो, मुझे याद करो। जैसे आशिक माशिक होते हैं, वह भी धंधा धोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते। ऐसे लैला मजनू, हीर रंझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते, उनका प्यार गाया हुआ है उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ ये बात नहीं, यहाँ तुम जन्म जन्मांतर उस माशुक के आशिक ही रहे हो। वह माशुक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उसे बुलाते आए हो। हे भगवान, नैनहीन को राह दिखाओ। तुमने आधा कल्प बुलाया, जब दुख ज़्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरण करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितना याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जितना देरी होती जाती उतना तमो प्रधान ज़्यादा होते जाते। तो तुम चढ़ रहे हो, वे उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान बुद्धि को वृद्धि को पाती रहती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान, तो तुम बच्चे भी सर्वशक्तिवान, माया भी इस समय सर्वशक्तिवान। बाबा की याद से आप भी शक्तिशाली बनते हो और माया भी आपसे युद्ध करने के लिए शक्तिशाली बनती रहती है, वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हारा सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता ऊंच से ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की शरीर की भी संभाल करनी चाहिए, क्योंकि पांच विकारों के कारण शरीर की आयु तो कम होती जाती है। तो बाबा कहते इस समय पांच विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं, क्योंकि बाबा कहते इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो कहते इस शरीर काम का नहीं, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का पुतला है। अब तुम बच्चों को समझ मिली, जब तक जीना है बाबा को याद करना है। बाबा कहते इस शरीर भी बहुत वैल्यूएबल है, इसकी बहुत संभाल करनी है, इसी में रहते बाबा को प्यार से याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों याद करती है? वर्षे के लिए। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। बाबा कहते पढ़ाई में सुस्ती नहीं करनी, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात ये है, जिसको तंत कहा जाता, कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते तो उन्हें पहले पहले समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वो ऊंच से ऊंच है। सबसे पहले यही बात बताओ कि शिव बाबा को याद करो, क्योंकि वो ऊंच से ऊंच है। तो ऊंच से ऊंच को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़े याद करना चाहिए। कहते ऊंचे से ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते नई दुनिया की मैं स्थापना करता हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। ये पक्का याद करो, ये पक्का याद करो कि बाबा की याद से पाप कटते हैं। पक्का पक्का याद करो कि बाप पतित पावन है। वो कहते हैं जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अब तुम पावन बन जाओ। बाबा आकर बच्चों को समझाते तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए। पुकारते हैं दुख हरता सुख दाता,
तो जानते हो ना, बरोबर सत्ययुग में सब सुखी रहते हैं। तो बाप बच्चों को कहते, सभी शांतिधाम सुखधाम को याद करते रहो। बाबा सबको कहते हैं, अपने शांतिधाम परमधाम को याद करो, सुखधाम को याद करो। ये संगम युग खिवैया तुम्हें पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया व नैया की बात नहीं, ये तो महिमा कर दी कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है जिसे पार लगाते हो। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। आप सदा ही खुश हो, आपके लिए तो हर दिन क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसलिए अतींद्रिय सुख गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं, क्यों? बेहद का बाप मिला, वो हमें पढ़ा रहे हैं, तो रोज की खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसा कभी सुना? पहला कभी ऐसे सुना? गीता में भी है भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। जैसे वो लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जनरी योग सिखाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तुम यहाँ आते हो राजयोग सीखने के लिए, मूंछने की दरकार नहीं। तो राजयोग सीख के पूरा धारण करना चाहिए, भागंती नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है और धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आप ही पर रखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंच से ऊंच इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। अपने आप से आप ही पूछना चाहिए कि मैं ऊंच इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। मैं सर्विस करता हूँ। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाप को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ। गाया हुआ है सर्विस करने के लिए, और रोज़ रोज़ सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है, रथ भी मजबूत अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदा है ही। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा का रथ, ये भी बाबा कहते बहुत शक्तिशाली है, जिनके द्वारा बाबा सेवा कराते हैं। बाप दादा इनके रथ में सदैव है, भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूँ ना, भले इनका तन ठीक नहीं, शिव बाबा कहते मैं तो बैठा हूँ, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ, मुरली मिस नहीं होती है। जब तक बैठ सकें, लिख सकें, तो मैं मुरली बजाता हूँ, बच्चों को लिख के भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। तो बाप आकर समझाते कि तुम अपने को आत्मा समझकर निश्चय बुद्धि होकर सर्विस में लग जाओ। अपने को आत्मा समझकर पक्के निश्चय बुद्धि बन के सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वो लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे, ये मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी बनाते हैं, महाराजा बनाते हैं बाबा। ये भी तुम समझ सकते हो, बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हें महावीर कहते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? महावीर। तो ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। महावीर कौन है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को देखते हैं। सबको तो नहीं देखेंगे, ये तो ज्ञान है। शरीर बिगर कोई सुन ना सके, बोल ना सके। जानते हो मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ, मैंने ये शरीर लोन लिया है। शरीर सबको है, शरीर के साथ आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो सभी आत्माओं को समझना चाहिए, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते जब आप बात करते हो सबके मस्तक में आत्मा को देखो, आत्मा समझ के बात करो। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया हर एक आत्मा
अकाल मूरत है, वो कभी विनाश नहीं होती, कभी जलती कटती डूबती नहीं। आत्मा कभी जलती कटती नहीं, डूबती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी आत्माएं हैं, उनका भ्रिकुटी रूपी ये तख्त है, शरीर भिन्न भिन्न है। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किसी से बात करते हो तो समझो कि हम आत्मा हैं, आत्मा भाई से बात कर रहे हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो जो जंक लगी हुई है वो निकल जाएगी। बाबा का पैगाम क्या है? अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो तो जो भी जंक लगी है वो निकल जाएगी। जैसे सोने में अलाई पड़ती है, वैल्यू कम हो जाती है, तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई, अब बिल्कुल वैल्यूलेस हो गए। इसको दिवाला भी कहा जाता। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते, विनाश में सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सब खत्म हो जाएंगे, बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वो फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर रहे हैं वो अपना भाग्य प्राप्त करेंगे, सत्युगी दुनिया में उच्च पद प्राप्त करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंच से ऊंच इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देख के बात करनी है। जब भी देखना है तो सामने वाले के मस्तक में चमकती हुई मणि को, आत्मा को देखकर बात करनी है। बहुत सुंदर वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्वयं में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने से जो भी तन का कर्म भोग है सूली से काटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा ही स्वस्थ हो। तन का रोग भी योग में परिवर्तित कर देते हो, इसलिए आप सदा स्वस्थ हो। मन मनाभो होने के कारण खुशियों के खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। ज्ञान धन सब धन से श्रेष्ठ है, ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है, और सर्व संबंध भी एक के साथ हैं, संपर्क भी होली हंसों से है। सर्व संबंध भी एक बाबा के साथ है और संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हम सब श्रेष्ठ भाग्यवान प्राप्त हैं जो तन मन और धन तीनों ही सुख प्राप्त हुए हैं। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ये डबल लॉक है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखेंगे। स्वयं भगवान ने मुझे तन की तंदुरुस्ती, मन की तंदुरुस्ती, ज्ञान धन से भरपूर किया है। मैं भाग्यवान आत्मा हूं जो भगवान मुझे पढ़ाते हैं। इतनी बड़ी खुशी
सचमुच ये बहुत बड़ी क्रिसमस है। महसूस करें खुशियों के सागर की, खुशी की लहरें मेरे भाग्य को और अधिक चमका रही हैं। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। जब तक जीना है पढ़ते रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक सारे जग का करण धार।